सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जारी करी है। ये जो अपडेट है इसके अंदर एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करी गई है। जो बच्चे क्लास 9th, 10th, 11th या 12th में आने वाले हैं उन सभी के लिए अपडेट है कि आप सभी के रजिस्ट्रेशन आपके स्कूल वाले करने वाले हैं, यानी कि आपके स्कूल से अब आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है ऑलरेडी। इसे सीबीएसई बोर्ड ने यह कहा है कि हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे इस बार अगले सत्र में कोई दिक्कत ना आए, इजीली पेपर कंडक्ट हो जाए। इस वजह से जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो जारी हो जाएंगे 7 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। अगर स्कूल थोड़ा लेट करता है 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक भर सकते हैं, पर लेकिन लेट फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये अपडेट सभी बच्चों का, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं यानी कि रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, आप सभी के फॉर्म आ चुके हैं और आपके स्कूल वाले जल्द आपका फॉर्म भरवाएंगे। अब यहाँ बढ़ के बात करते हैं प्राइवेट वाले बच्चों, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स यानी कि जो खुद फॉर्म भरना चाहते हैं, आप सभी के फॉर्म की अभी कोई अपडेट नहीं मिली है। हो सकता है कि आपके फॉर्म भी जल्द आ जाएँ, क्योंकि जैसे आपके फॉर्म आएंगे आप सभी को अपडेट मिल जाएगी। तो ये अपडेट है स्कूल्स को कह रहे हैं, क्योंकि स्कूल जो है वो अब फॉर्म भरने वाले हैं और ये सभी बच्चों के जो 9th या 10th या 11th या 12th में आए उन सभी के लिए, अगर वो स्कूल चेंज करना चाहते हैं या वो अपने ही स्कूल में और अगली क्लास में जा रहे हैं उन सभी के लिए एक नया रजिस्ट्रेशन होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है स्कूल्स को। आई को समझ आए, कोई भी आपका डाउट कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपको नोटिस होता है नस्बत करेंगे। थैंक यू।